हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका सिविल बीट्स में, जहां पर आज हम स्टडी करने वाले हैं बार बेंडिंग शेड्यूल्स के बारे में। कैसे हम अपना बार जो बार बेंडिंग शेड्यूल होता है उसको प्रिपेयर करते हैं, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो किसी भी इंजीनियर, जो सिविल इंजीनियर है, उसको ये आना ही चाहिए। और जब हम स्टडी करते हैं तो इस वाले टॉपिक को हम, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल्स में ज्यादा आता है, इसलिए हम वहाँ पे इसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम साइट्स पे जाएंगे, कहीं पे भी आप अपना वर्क कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपका जो बार बेंडिंग शेड्यूल है बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होता है। तो इसलिए हमें इसके एक बार समझ लेना होता है कि कैसे हम बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं। अगर आपको बार बेंडिंग शेड्यूल या किसी भी टॉपिक जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं उसके आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप जो टेलीग्राम का चैनल है उसको यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जितनी भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज बात कर लेते हैं हम बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में, कि कैसे हम बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या फॉर्मूले इसके अंदर हमें याद रखने होते हैं, और क्या क्या जो इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर, वो हमें ध्यान में रखने होते हैं जब भी हम कोई भी बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं। किसी भी, देखो, कोई भी हमारी आरसीसी स्ट्रक्चर बनती है तो उसके अंदर हमारा मेनली जो यूज होता है स्टील बार्स यूज होती है, और स्टील बार्स की कैलकुलेशन के लिए हमें बार बेंडिंग शेड्यूल का पता होना चाहिए कि कैसे हम वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कितनी हमारी स्टील या रेनफोर्समेंट हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं। विदाउट बार बेंडिंग शेड्यूल हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल, कि बार बेंडिंग शेड्यूल है वो होता क्या है। आपका कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाता है यहाँ पे कि बार बेंडिंग शेड्यूल, बार बेंडिंग किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो बार बेंडिंग जो होती है हमारी मेनली जो स्टील होती है या रेनफोर्समेंट होती है उसके लिए हम वहाँ पे यूज करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल का। तो ये क्या होता है, हमारा बार बेंडिंग शेड्यूल इज ए समरी ऑफ रेनफोर्समेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड हम कराते हैं आरसीसी के अंदर, उन सबकी जो डिटेल्स है वो एक टेबल की फॉर्म में हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आपके पास में एक टेबल हम यहाँ पे बनाएंगे, उसके अंदर आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन होती है कि कितनी आपकी रेनफोर्समेंट वहाँ पे यूज हो रही है, किस टाइप के आपने बार वहाँ पे यूज की, लेंथ कितनी है, किस तरह की उसकी शेप है, वो सब आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हो बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर। शॉर्ट के फॉर्म में इसको बीबीएस भी बोलते हैं। ठीक है, बार बेंडिंग शेड्यूल। तो इसके अंदर हमारी मेन मेन क्या क्या चीजें होती है, बीबीएस कंटेन्स द फॉलोइंग डिटेल्स अबाउट द रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट के बारे में जो मेन मेन चीजें होती है या बेसिक डिटेल्स होती है वो कौन कौन सी होती है जो बार बेंडिंग शेड्यूल में हम रिप्रेजेंट उसको करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन आता है वो आता है डायमीटर ऑफ बार, जो हम स्टील बार वहां पे यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर कितना है। ठीक है, वो क्या है हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हमें पता चल जाएगी कौन सी साइज की हमें वहां पे बार यूज करनी है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ बार, किस टाइप की आपने वहां पे बार यूज की है, प्लेन बार है आपकी, ठीक है, प्लेन बार हो सकती है या डिफॉर्म बार है, ठीक, उसमें से आपने कौन से वाली बार वहां पे यूज की हुई है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ द बार्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप, किसी भी पर्टिकुलर टाइप की जो बार है वो कितने नंबर्स में वहां पे अवेलेबल है। मान लिया आपने जो थी बैंड ऑफ बार्स यहाँ पे प्रोवाइड कराई थी, कुछ इस तरीके से क्या की थी आपने बैंड ऑफ बार प्रोवाइड कराई उसके अपनी स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसके जो नंबर्स है हमारे बैंड ऑफ बार कितनी हमने वहां पे यूज की, वो सब भी जो कैलकुलेशन होती है हमारी कहाँ पे मिलती है, हमें बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर मिल जाती है। नेक्स्ट आता है बार बेंडिंग डिटेल्स ऑफ द बार अलोंग द लेंथ, ये जो हमारी बेंडिंग डिटेल्स है बार की, जो बेंडिंग डिटेल्स है लेंथ के साथ में, कहाँ पे बार हमारी जाके बेंड हो रही है, कहाँ पे उसके अंदर हुक बने हुए है, ये सब डिटेल हमें कहाँ मिलती है, बार बेंडिंग शेड्यूल के अंदर मिलती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गाइडलाइंस फॉर डिटेलिंग, कि जब हम जो हमारी बार बेंडिंग शेड्यूल है उसके अंदर जब हम डिटेलिंग करेंगे तो कौन कौन सी गाइडलाइंस हमें उसके अंदर फॉलो करनी है, कैसे कैसे हम उसको प्रिपेयर वहां पे करेंगे। तो फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस विच हैव टू कंसिडर ड्यूरिंग प्रिपेयरिंग बार बेंडिंग शेड्यूल। तो कौन कौन सी गाइडलाइंस होती है, सबसे पहले हमारी आती है यूज कॉमनली अवेलेबल साइज ऑफ बार एंड स्पाइरल्स। इसका मतलब है कि आप जब बार यूज करोगे वहां पे तो कौन कौन सी बार यूज करनी है आपको जो इजिली आपको अवेलेबल हो सकती हो। ठीक है, तो जो बार इजिली अवेलेबल है, अगर स्पाइरल्स की बात करेंगे तो जो स्पाइरल्स इजिली अवेलेबल है हमारे पास में वहां पे उसका हम वहां पे यूज कर लेते हैं। बेसिकली ये डिजाइन के अंदर आता है कि जब आप डिजाइन करते हैं तो डिजाइन के अंदर आप कंसिडर वहां पे कर लेते हो जो बार का साइज है। ठीक है, मान लिया आपके के पास में जो बार है आपकी 14 mm कंसिडर किया आपने, ठीक है, तो ये आपको इजिली क्या होगा मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 15 mm डायमीटर की बार यूज डिजाइन कर दिया, ठीक है, जो डिजाइन के अंदर बार आपने यूज की 15 mm की यूज की, तो वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो जब जो आपका डिजाइन है वो क्या है वहां पे फेल हो गया, क्योंकि आपने जो बार एज्यूम कर ली वहां पे वो क्या है उस डायमीटर की, जब आपके पास में अवेलेबल ही नहीं है तो आप उसको कैसे वहां पे प्रोवाइड करा दोगे।
ठीक है। नेक्स्ट आता है फोर माइल्ड स्टील प्लेन बार यू टाइप हुक्स एंड फोर डिफॉर्म बार एल टाइप हुक्स आर अडोप्टेड। कि जब हमारी क्या होती है प्लेन बार्स होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं माइल्ड स्टील बार भी बोलते हैं, तो उसके अंदर जो हुक बनेगा हमारा कौन सा बनता है, यू टाइप हुक वहां पे बनाते हैं। ठीक है, यू टाइप हुक। यू टाइप हुक का मतलब क्या है, हुक क्या होते हैं, हुक बनते हैं जहां पे हमारी जो रेनफोर्समेंट है एंड होता है उसका, ठीक है, जहां पे उसका सिरा होता है एंड होता है, तो वहां पे क्या बनाते हैं हम एक छोटा सा यहाँ पे एक हुक बना देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसा क्या बना देते हैं, एक हुक बना देते हैं, ये आपका हुक है। हुक क्या करता है, हुक हमारे बेसिकली डेवलपमेंट जो लेंथ है उसको वहां पे इंक्रीज कर देता है। अगर आपने यहाँ पे प्लेन बार यूज किया है तो आप कौन सा हुक यूज करोगे, यू टाइप हुक का यूज करोगे। अगर आपने क्या किया है डिफॉर्म बार का यूज किया है तो एल टाइप आप हुक वहां पे अडोप्ट कर लेते हो। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि अगर आपकी डिफॉर्म बार है तो उसके अंदर हम हुक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अगर आप प्रोवाइड कराना चाहते हो तो आप एल टाइप करा सकते हो, यू की वहां पे जरूरत नहीं होती। और अगर आप नहीं भी वहां पे हुक्स प्रोवाइड कराते हो तब भी हमारी जो डिफॉर्म बार है वो सेफ होती है, क्योंकि उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है कॉन्क्रीट और रेनफोर्समेंट की डिफॉर्म बार के अंदर वो प्लेन बार के कंपेरिजन में बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे कि अगर प्लेन बार है तो यू टाइप यूज कर लेंगे, और अगर आपका डिफॉर्म बार है तो एल टाइप कर सकते हैं, या फिर आप वहां पे हुक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट आता है ऑल स्पेसिंग्स इन बीम शुड बी कंसिडर सेंटर टू सेंटर ऑफ बार, ठीक है। जो स्पेसिंग है हम स्पेसिंग प्रोवाइड कराएंगे तो वो कहां से मेजर करेंगे, हम बार के सेंटर टू सेंटर हम वहां पे मेजर करेंगे। मान लिया आपके पास में क्या है, यहाँ पे स्टील बार्स लगी हुई है, ठीक है, तो इनके अंदर की जो स्पेसिंग है मतलब कितनी डिस्टेंस पे हम इसको प्रोवाइड करा रहे हैं एक दूसरे से, जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो क्या होगी हमेशा इनके सेंटर से हम लेके चलेंगे, ये वाली डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर मेजर करते हुए चलेंगे, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं करना कि जैसे आपने इसका जो आउटर एज थी या इसकी इनर एज थी उससे आपने कैलकुलेट उसको कर दिया या प्रोवाइड करा दिया वहां पे, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है आपको, सेंटर टू सेंटर लेके चलना है। नेक्स्ट आता है आपका इन ए टू वे स्लैब रेनफोर्समेंट पैरेलल टू द शॉर्टर स्पान शैल बी प्लेस इन द बॉटम एट द मिड स्पान एंड इन द टॉप एट सपोर्ट, ठीक है। इस लाइन का मतलब देखो क्या है, इस लाइन का मतलब है कि आपका अगर क्या है टू वे स्लैब है, ठीक है, कौन सा स्लैब है, टू वे स्लैब है, तो उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट है हमारी कैसे प्रोवाइड कराएंगे। मान लिया क्या था आपका टू वे स्लैब है, ये क्या देख रहे हैं हम, इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं आप, ठीक है, ये क्या इसका क्रॉस सेक्शन है। तो जब हम क्या है ये शॉर्टर स्पान वाला है, कैसे, मान लिया क्या था आपका, ये आपका टू वे स्लैब है, तो उसका शॉर्टर स्पान कौन सा है, ये आपका शॉर्टर स्पान है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके शॉर्टर स्पान के जो अलोंग जो आप क्या कर रहे हो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हो, इस तरीके से जो रेनफोर्समेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हो उसके अंदर आपको पता ही है आप क्या करते हो, यहाँ पे बेंड अप बार्स का को प्रोवाइड कराते हो इस तरीके से, ठीक है, बेंड अप बार प्रोवाइड कराते हो। तो इसमें क्या होगा हमारा जो हमारी बार है, अगर मिड में इसकी बात करें हम इसके सेंटर में यहाँ पे देखें, ठीक है, अगर ये इसका क्रॉस सेक्शन है यहाँ पे और उसका मिड हम यहाँ पे देखेंगे, तो मिड के अंदर क्या होती है जो रेनफोर्समेंट होती है वो कहाँ है, बॉटम के अंदर है यहाँ पे, ठीक है, कहाँ है, बॉटम में है। लेकिन जैसे हम क्या करें यहाँ पे जो बियरिंग्स थी या सपोर्ट थी वॉल थी हमारी हमारी वहां पे क्या किया हमने रेनफोर्समेंट को बेंड कर दिया ऊपर की तरफ, और लास्ट में कहाँ चली गई ये ऊपर की साइड चली गई या टॉप पे चली गई, ठीक है। सिंपल सा है कि आपको जब अगर आपके क्या है टू वे स्लैब है और उसके अंदर जो शॉर्टर स्पान के साथ में आप क्या कर रहे हो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा रहे हो, तो वो क्या होगी जब उसके सेंटर की बात करेंगे हम बीच में देखेंगे हम, तो बीच में कहाँ होगी बॉटम में होगी, और अगर आप साइड्स में देखोगे वॉल की साइड पे जाओगे तो वो कहाँ हो जाएगी टॉप पे हो जाती है, ठीक है। अगर आपने वहां पे बेंड अप बार प्रोवाइड की है तो अपने आप ही क्या होगा जो आपकी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि मिड में सेंट बॉटम में होगी और साइड में जाती है कैसे हो जाएगी आपकी वो टॉप में चली जाती है, ठीक है, तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है एट इंटरसेक्शन ऑफ बीम कॉलम, कहीं पे भी हमारा जो बीम और कॉलम क्या है इंटरसेक्ट हो रहा है, इंटरसेक्ट मतलब आके मिल रहा है वहां पे या ज्वाइंट हो रहा है वहां पे, और बीम टू बीम या फिर बीम ही दो बीम है जो पैरेलल बीम है, कोई एक बीम इधर से आया और एक बीम इधर से आके यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, उसमें क्या होता है हमारा मेन रेनफोर्समेंट मे बी सो अरेंज्ड दैट दे शुड बी एट डिफरेंट लेयर और लेवल। इस तरीके से हम क्या करेंगे रेनफोर्समेंट उसके अंदर प्रोवाइड करेंगे कि वो सब क्या हो उनका जो लेवल है वो क्या हो अलग अलग हो। कैसे, आपका मान लिया बीम और कॉलम है, ठीक है, ये क्या था आपका कॉलम था और सामने से क्या आ गया यहाँ पे तरीके से कोई बीम है, ठीक, तो उसके अंदर जो मेन रेनफोर्समेंट है हमारी हमने ये प्रोवाइड यहाँ पे करा दी कुछ इस तरीके से। तो जो हमारी बीम वाली रेनफोर्समेंट होगी यहाँ पे
ये क्या होगी, जो हमारी कॉलम की मेन रेनफोर्समेंट थी उससे अलग होनी चाहिए, ठीक है। उसका जो लेवल है वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, या उनकी लेयर्स क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जो बीम की जो बार आ रही है ऐसे इन टू द प्लेन आ रही है ऐसे, और आपकी जो मेन बार है किसकी कॉलम की वो क्या आ जाए, एक दूसरे के सामने आ जाए, ऐसे बिल्कुल इसी के ऊपर आ जाए यहाँ पे, ठीक है। ऐसे नहीं आपको प्रोवाइड कराना है। इससे क्या होगा, अगर आपकी बार इस तरीके से वो एक दूसरे के क्या आ रही है, सामने आ रही है, फेस पे आ रही है, तो आपको आप इनको आपस में ज्वाइंट नहीं करा सकते। लेकिन अगर इसे क्या होगा, साइड में हम इसको थोड़ा सा साइड में कर लेंगे, तो क्या होगा, आप इजिली इसको ज्वाइंट करा सकते हैं आपस में, ठीक है, कॉलम को बीम से ज्वाइंट करा सकते हो। इसी तरह क्या होगा, बीम का अगर कहीं पे इंटरसेक्शन हो रहा है, एक बीम ये था एक बीम यहाँ पे ये था, ठीक है, तो उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट है, इधर से जो रेनफोर्समेंट आई और जो इधर से रेनफोर्समेंट आई, उनका लेवल भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। मतलब एक रेनफोर्समेंट इधर से आई, एक जो इधर से रेनफोर्समेंट आ रही है वो इसके सामने ना होगा, क्या होना चाहिए, इसे थोड़ा टॉप पे हो या इसके बॉटम में हो, ठीक है, जिससे कि हम उनको आपस में ज्वाइंट करा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बार्स शैल बी अरेंज इक्वली स्पेस्ड, कि जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल बार्स होगी वो क्या होगी, इक्वली किसके अंदर बात कर रहे हैं, हम कॉलम के अंदर बात कर रहे हैं, कॉलम के, अगर कॉलम है हमारा, मान लिया क्या है, कॉलम है, तो उसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल बार होगी, जो इस तरीके से हम यहाँ पे बार प्रोवाइड करेंगे, वो कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे हम, इसकी जो पेरीफेरी होता है, ठीक है, जिसकी पेरीफेरी मतलब क्या, जो आउटर साइड होती है, इसके किनारे जो होता है, ये वाली पेरीफेरी है, इसके क्या करते हैं यहाँ पे, इसके साथ में प्रोवाइड ऐसे करा देते हैं, और उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो क्या होती है, इक्वल रखते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको सिंपल सा ये कहना चाहता है। नेक्स्ट आता है, कॉलम मेन बार शुड बी इनटू फुटिंग इक्वल टू द डेवलपमेंट लेंथ। हम कोई भी कॉलम जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, फुटिंग से स्टार्ट होगा, तो उसे क्या करेंगे, हम कॉलम को फुटिंग से ज्वाइंट कराते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। ऐसे मान लिया क्या था आपके यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप से क्या थी, फुटिंग थी, और उसके ऊपर आपने क्या बनाया, यहाँ पे कॉलम बनाया, तो जो उसकी कॉलम की मेन रेइंफोर्समेंट है वो फुटिंग के अंदर कम से कम कितनी डिस्टेंस तक जानी चाहिए, जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ होती है, एलडी से जिसको हम डिनोट कर देते हैं, तो डेवलपमेंट लेंथ तक हमको क्या कराना है, उसको अंदर ले जाना है, जिससे कि इसका जो ज्वाइंट है वो वहां पे अच्छी तरीके से बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करते हो, ठीक है। आपने आरसीसी के अंदर भी इन चीजों को पढ़ते हो, तो क्या सबसे पहले आता है आपका मिनिमम कवर रिक्वायरमेंट, कितना मिनिमम कवर हमें किस स्ट्रक्चर के लिए रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली आपने आरसीसी के अंदर पढ़ा हुआ है, तो वही चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या होता है मिनिमम, तो नॉमिनल कवर्स आर गिवन बिलो, ठीक है, नीचे आपको दिया हुआ है, बट इन एनी केस इट शुड नॉट बी लेस देन द डायमीटर ऑफ द बार। किसी भी केस के अंदर जो कवर है हमारा, रेनफोर्समेंट का जो साइज है या डायमीटर है, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम कितना प्रोवाइड हम कराते हैं, अगर हम बात करें स्लैब की, स्लैब के केस में जो हमारा मिनिमम कवर होता है वो कितना होता है, 15 mm। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको जो कवर है उसकी वैल्यू गिवन नहीं होती है ना, कुछ क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है आपको गिवन हो, लेकिन आपको मोस्टली आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, तो आपको जो वैल्यूज है यहाँ पे याद रखनी होगी कि किसके लिए हम कितनी वैल्यूज करते हैं। बीम की बात करेंगे तो बीम के लिए हमारा जो मिनिमम कवर होता है 25 mm होता है, अगर हम कॉलम की बात करें तो कितना होता है, 40 mm। लेकिन कुछ केसेस क्या होता है, अगर हमारी जो लीस्ट डायमेंशन हो कॉलम, कॉलम जो है उसकी अगर जो डायमेंशन है हमारी, लीस्ट डायमेंशन कौन सी होती है, ये मान लिया कॉलम है, तो उसकी जो क्या है, जो मिनिमम वाली लेंथ है, चाहे तो आपकी विड्थ मिनिमम होगी या आपकी जो डेप्थ है या ब्रेथ है वो मिनिमम होगी, इनमें से जो भी आपका मिनिमम है, अगर वो 200 mm से कम है, 200 mm से कम है, और जो आपने वहां पे बार यूज की है वो 12 mm है, तो उसके लिए क्या कवर है वो कितना यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे 25 mm का कवर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। वैसे बेसिकली क्या करते हैं, हम 40 mm का प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन अगर आपका जो साइज है कॉलम का वो 200 mm से कम है, और या और आपकी जो डायमीटर और बार है वो 12 mm है, तो उसके लिए हम कवर कितना प्रोवाइड कर देंगे, 25 mm, ठीक है, ये आपका स्पेशल केस है। नेक्स्ट आता है फुटिंग के लिए कितना कवर प्रोवाइड कराते हैं, फुटिंग के लिए हम 50 mm कवर का यूज करते हैं, क्योंकि फुटिंग जो होती है डायरेक्टली क्या होती है, सोइल के अंदर होती है, और सोइल से जो होता है हमारे मॉइस्चर्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए उसके मॉइस्चर्स से बचाने के लिए रेनफोर्समेंट को हम क्या कर लेते हैं, कवर की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए हम 50 mm वहाँ पे यूज कर लेते हैं। अब बात आती है वेट ऑफ स्टील की, कि वेट ऑफ स्टील आप कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना, इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये भी होती है, अगर आप लेंथ कैलकुलेट कर लिया आपने बार की, कितने लेंथ का हमें जो बार है या रेनफोर्समेंट है वो यूज करोगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो उसका जो स्टील बार का वेट है वो कितना होगा। अब स्टील बार का जो वेट है उसको कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास में होता है,
डी स्क्वायर अपॉन 162 इंटू एल, जो आपको डी की वैल्यू किस में रखते हैं आप एमएम के अंदर, और एल की वैल्यू किस में रखते हैं मीटर के अंदर, आपको जो वैल्यूज देता है केजी के अंदर आपको वैल्यूज दे देता है, ठीक है, किलोग्राम के अंदर ये वैल्यूज दे देता है। अब ये फॉर्मूला कैसे आपका आया, इस फॉर्मूला को देख लेते हैं कि फॉर्मूला आपका यहाँ पे कैसे आया, ठीक है, डी स्क्वायर अपॉन 162 कहाँ से आया। तो आपका पता होगा जो यूनिट वेट होता है हमारा स्टील का, यूनिट वेट स्टील कितना होता है 7850 केजी पर मीटर क्यूब, ये क्या होता है स्टील का यूनिट वेट होता है। अब हमने एक चीज पढ़ी है कि वेट, अगर हम वेट की बात करें तो वेट क्या होता है हमारा, वेट अगर हमें निकालना है कैसे निकाल लेते हैं हम, यूनिट वेट यूनिट वेट और उसके अंदर मल्टीप्लाई कर किस कर देते हैं हम वॉल्यूम की, सबको पता है कि क्या करते हैं वेट निकालने का फॉर्मूला सिंपल से क्या होता है, यूनिट वेट की मल्टीप्लाई किसके अंदर कर देंगे वॉल्यूम के अंदर, उसकी हम वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखो यूनिट वेट तो हमें पता है स्टील का कितना है 7850, ये तो क्या है यूनिट वेट है स्टील का। अब वॉल्यूम हमें निकालनी है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, स्टील बार क्या होती है हमारी सिलेंडर की फॉर्म में होती है, सिलेंडर का अगर हमें वॉल्यूम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं 5/4 डी स्क्वायर, डी यहाँ पे किस में रखते हैं एमएम के अंदर होता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसको पहले से ही मीटर के अंदर कन्वर्ट कर ले रहे हैं 10^-3 की मल्टीप्लाई करके, कि आपकी जो वैल्यूज है डायरेक्ट आप एमएम के अंदर इसके अंदर पुट करोगे और आपकी अपने आप ही कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगी, वो मीटर के अंदर हो जाएगी और इंटू एल। तो जब आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आती है डी स्क्वायर और लगभग आपकी 162.1, ठीक है, इसके समथिंग आती है। तो आपको क्या करते हैं उसको 162 ही कंसीडर कर लेते हो, तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे डेराइव होके आता है, जिससे आप यूनिट जो स्टील का वेट है वो कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे फॉर्मूला आपका यहाँ पे डेवलप होके आया है। आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है और यूज करना है वो करना है आपको डी स्क्वायर अपॉन 162 इंटू एल। यहाँ पे चलते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम, यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, अगर हमें क्या करना है वेट निकालना है तो कैसे निकालते हैं यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम, स्टील का यूनिट वेट हमारा 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, यहाँ से वेट हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 162.19, तो ये लगभग कि आपकी 162 के अराउंड है। तो अपनी जो कैलकुलेशन है उसको ईजी करने के लिए हम क्या इतना कर लेते हैं उसको 162 ही एज्यूम कर लेते हैं। तो आपको जो यूज करना है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डी स्क्वायर अपॉन 162 इंटू एल, इससे क्या होगा आपका जो स्टील का वेट है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। याद क्या रखना है इसके अंदर, आपको याद रखना है कि जो आपकी डी की वैल्यू है वो एमएम के अंदर है और एल की वैल्यू आपको मीटर के अंदर इसके रखनी है, क्योंकि आपने देखा था कि जो डायमीटर की वैल्यू थी एमएम को हमने मीटर के अंदर ही कन्वर्ट कर लिया था इसके अंदर, तो आपको डायरेक्ट एमएम के अंदर रखोगे तो आपकी वैल्यू अपने आप ही मीटर के अंदर इसके कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका सिंबल्स यूज इन डिटेलिंग, जब आप डिटेलिंग करते हो तो उसके अंदर जो सिंबल्स यूज होते हैं बेसिक बेसिक से जो सिंबल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आता है डायमीटर ऑफ प्लेन राउंडेड बार, या फिर इसको हम माइल्ड स्टील बार भी बोल देते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फाई का यूज करते हैं। अगर आपको माइल्ड स्टील या प्लेन बार दिखानी है तो उसके लिए आप क्या कर लेते हैं, फाई का यूज कर लेते हैं। फाई को देखते ही आप समझ जाओगे कि आपका किस चीज की बात कर रहा है, वो प्लेन बार की वहां पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है डायमीटर ऑफ डिफॉर्म बार, डिफॉर्म्ड बार, अगर आपकी डिफॉर्म्ड बार है तो उसके लिए आप क्या करोगे, होता है उसका आप यहाँ पे यूज कर लेते हो, ठीक है, इस तरीके से आप डी नोट कर लेते हो। नेक्स्ट आता है स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर, जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है उसको जब आप दिखाते हो तो एट द रेट आप यूज कर वहाँ पे कर लेते हो, इससे आप दिखाओगे तो उसका मतलब आपका होगा कि आप स्पेसिंग की वहाँ पे बात कर रहे हो, और स्पेसिंग भी कौन सी होती है, सेंटर टू सेंटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, देखो आप अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये डिजाइन आपको दिया हुआ है तो उसके अंदर आप उसको स्टडी कैसे करोगे, कैसे आप बार बेंडिंग शेड्यूल वहां पे बनाओगे, तो कैसे होता है, अगर आपको दिया हुआ हैज 20 एट द रेट 200, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हमारा, इसका मतलब होता है कि आपने 20 mm डायमीटर की बार की यूज की हुई है, और हैज जो आपने यहाँ पे दिखाया उसका मतलब होता है डिफॉर्म बार, तो कौन सी बार यूज की हुई है, डिफॉर्म बार है और 20 mm डायमीटर की है। एट द रेट का मतलब होता है कितनी स्पेसिंग पे आप उसको प्रोवाइड करा रहे हो, तो स्पेसिंग आपने कितनी रखी है वहां पे 200, तो 20 mm डायमीटर डिफॉर्म बार स्पेस्ड एट 20 mm सेंटर टू सेंटर।
अगर आपको लिखा हुआ है 20 हैज 20, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि आपने जो स्टार्टिंग वाला 20 लिखा है, इसका मतलब होता है कि आपके नंबर्स है, कितने आपने बार नंबर्स वहां पे यूज किए हुए हैं, ठीक है, कितनी बार आपने वहां पे यूज की हुई है। और लास्ट वाला जो होता है आपका 20, वो क्या दिखाता है कि उसका साइज कितना है, और हैज जो था वो क्या दिखा रहा था आपका कौन सी बार है, डिफॉल्ट बार है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि एक इंपॉर्टेंट सी लाइन है, देख लेंगे इसको एक बार। हैज इज यूज्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बार डायमीटर, कि हैज जो होता है, ठीक है, जो डिफॉर्म बार के लिए यूज करते हैं उसको हमेशा कहाँ पे यूज करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। जैसे ये आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, हैज का यूज किया है। लेकिन अगर आपका क्या होता है यहाँ पे फाई का हमें यूज करना था, तो फाई कहाँ पे दिखाते हैं हम, राइट हैंड साइड के अंदर यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। तो छोटी सी बात, छोटी छोटी सी बात है, आपको याद रख लेनी है। अब बात आती है आपकी कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार। अलग अलग जो बार्स होती है उनकी जो लेंथ है कैसे आप वहां पे कैलकुलेट करते हो, तो सबसे पहले बात आती है लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार विद हुक्स। अगर जो स्ट्रेट बार है उसके अंदर आपने हुक्स प्रोवाइड यहाँ पे किए हुए हैं, ठीक है, स्ट्रेट बार के अंदर क्या प्रोवाइड किया है, हुक्स प्रोवाइड किया है, तो उसकी लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लीजिए कि आपका बीम है और यहाँ पे क्या आपकी वॉल्स है या सपोर्ट है, ठीक है, जिसको बियरिंग भी बोलते हैं हम। जो इन टू इन हमारी डिस्टेंस होती है, जो बियरिंग्स होती है उसकी जो इन टू इन डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्लियर स्पान। आरसीसी के अंदर आपने पढ़ा भी था, क्या बोलते थे इसको हम, क्लियर स्पान बोलते थे। ये क्या है आपकी यहाँ पे साइड में जो होल्स दिखाई दे रही है जिसको हम बियरिंग बोलते हैं। अगर हम बियरिंग के सेंटर टू सेंटर बात करेंगे, ठीक है, जो बियरिंग है उसके सेंटर से सेंटर तक हम जाएंगे, एक बियरिंग के दूसरे बियरिंग के सेंटर तक हम जाएंगे, तो उस वाली डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला और होता है आपका, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर स्पान जो होता है उसके अंदर हम डेप्थ ऑफ बीम भी ऐड कर देते हैं। ये क्या आपकी स्ट्रेट बार है जिसके अंदर आपने यहाँ पे कॉर्नर्स के अंदर हुक्स प्रोवाइड किए, इसकी आपको लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो उसमें साइड्स में आपको क्या होता है, एंड कवर होते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, ये क्या है, एंड कवर है यहाँ पे दोनों साइड में होगी, ठीक है, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी एंड कवर है। ये आपकी बार है यहाँ पे साइड में, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या है, आपकी स्ट्रेट बार है जिसके अंदर क्या है, हुक्स बने हुए हैं। अब जो हुक्स है, हुक्स की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है पहले से, कितनी, 9.5 हम उसको यूज करते हैं, ठीक है, हुक्स की जो लेंथ होती है कितनी यूज करते हैं, 9.5। फाई क्या दिखाता है, दिखा रहा है यहाँ पे हमारा डायमीटर दिखा रहा है कि कितने एमएम डायमीटर की हमारी यहाँ पे बार है। अब देखो उसके अंदर हमारा जो 9.5 है ये भी क्या है, दो चीजों को इंक्लूड करके बनाया गया है। जो आपने हुक यहाँ पे प्रोवाइड किया और उसके हुक के बाद में आपने क्या किया यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट जो लेंथ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, क्या है आपका यहाँ पे जो आपको यहाँ पे हुक दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या है, हुक बनने के बाद में जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, मतलब हुक बना दिया आपने लेकिन उसके बाद में थोड़ी सी जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट प्रोवाइड कराते हो आप, तो वो कितनी होती है, 4 टाइम्स होती है, और 5 टाइम्स आपने क्या किया, हुक की लेंथ को एज्यूम कर लिया, तो टोटल कितना हो गया आपका यहाँ पे, 9.5 हो गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे इस जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की विदाउट हुक, जिसके अंदर आपने हुक नहीं है अभी, ठीक है, विदाउट हुक अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है, कैसे करेंगे हम ये वाली लेंथ कैलकुलेट, टोटल जो लेंथ थी हमारी बीम की, टोटल लेंथ कौन सी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी उसके अंदर से क्या करेंगे हम, एंड कवर यहाँ से माइनस कर देंगे और एंड कवर इस साइड से माइनस कर देंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रेट बार है, मतलब ठीक है, जिसके अंदर अभी हुक नहीं प्रोवाइड किया या हुक को हमने अभी कंसिडर नहीं किया, सिर्फ स्ट्रेट स्ट्रेट वाला जो नीचे वाला पोर्सन है उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो कितना होगा टोटल लेंथ में से हमें क्या कर देना है, दोनों साइड के एंड कवर माइनस कर देने हैं, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ बीम अगर हमें क्या निकालनी है, अब हुक्स के साथ में अगर हमें निकालनी है लेंथ, कैसे निकालेंगे, टोटल लेंथ ऑफ बीम जो यहां से यहां तक थी हमारी लेंथ, उसमें से क्या माइनस करेंगे हम, 2 टाइम्स एंड कवर, मतलब इस साइड से भी एंड कवर और इस साइड से भी एंड कवर को माइनस कर देंगे, ठीक। और फिर क्या ऐड करेंगे, हुक्स की जो लेंथ है वो यहाँ पे ऐड करेंगे, हुक की लेंथ कितनी है हमारी, 9.5 है, और जो हमारा हुक्स है वो कितने हैं, 2 हुक है, दोनों साइड में हुक है, तो कितनी हो जाएगी आपकी, 2 × 9.5, इससे क्या निकल जाएगी आपकी टोटल लेंथ, हुक्स को इंक्लूड करते हुए जो बार की हमारी टोटल लेंथ हो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी।
या दूसरा, अगर आपको इसी फॉर्मूले में क्या करना है, थोड़ा चेंजेस करके भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको टोटल जो लेंथ है बीम की नहीं पता है, आपको क्या पता है, क्लियर स्पान की वैल्यू पता है, क्लियर स्पान आपको यानी इन टू इन ये वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इन टू इन आपको पता है, बियरिंग की वैल्यू आपको पता होगी दोनों साइड की, क्या करेंगे दोनों साइड से बियरिंग को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्लियर स्पान के अंदर क्या करेंगे, दोनों बियरिंग ऐड कर देंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, टोटल जो बीम की लेंथ है वो आपके पास में आ जाएगी। और टोटल लेंथ में से क्या करेंगे, फिर हम एंड कवर माइनस करेंगे दोनों साइड के, और क्या ऐड करेंगे उसके अंदर, हुक की जो लेंथ है, हुक की लेंथ कितनी है 9.5, दो हुक है तो कितना हो जाएगा 2 × 9.5, वो ऐड कर देंगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, स्ट्रेट बार विद हुक्स की लेंथ यहाँ पे आ जाएगी। जब क्वेश्चन हम करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट आप जब क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट आपको वैल्यू है जो कैलकुलेट, या तो आप फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखना है, सिंपल सा है आपका, समझ लो कि कैसे आपने इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। अगर आप समझ के करोगे तो आपको इतने सारे जो फॉर्मूले आगे भी आएंगे उनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करोगे, समझ लोगे कि कैसे ये फॉर्मूला यहाँ पे बना है, डायरेक्टली क्या करेंगे वहां पे वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार विदाउट हुक किसके केस में होती है, ज्यादातर ये हमारा डिफॉर्म बार के अंदर देखने को मिलेगा, कि उसके अंदर हम हुक्स प्रोवाइड नहीं कराते, डायरेक्ट क्या करते हैं स्ट्रेट बार यूज कर लेते हैं। तो उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, टोटल लेंथ ऑफ बीम जो है, ठीक है, बीम की जो लेंथ थी हमारी, ये मान लिया क्या था हमारा बीम था, तो बीम की जो टोटल लेंथ थी इसमें से क्या माइनस करना है, सिर्फ हमें जो यहाँ पे एंड कवर बचे हुए हैं उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास में जो बार की लेंथ है वो यहाँ पे सिंपली आ जाएगी, ठीक है, स्ट्रेट वाले केस में जब आपको हुक प्रोवाइड नहीं करने हैं। या फिर अगर आपको क्लियर स्पान पता है, क्लियर स्पान से आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो पहले आपको टोटल लेंथ ऑफ बीम निकालनी पड़ेगी, ये क्या आपकी टोटल लेंथ ऑफ बीम, मतलब आपने बियरिंग्स का 2 times ऐड कर दिया, बीम की टोटल लेंथ आपके पास में आ गई, और फिर उसमें से क्या आ गया 2 times एंड कवर आपने वहां पे माइनस कर दिया उसके अंदर से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, इसके अंदर जो और चीजें हमारी आती है, ठीक है, जो हमारी बेंड अप बार आती है या फिर जो स्पाइरल्स बार होती है उसकी कैलकुलेशन, स्टेप्स की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, वो हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।